नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोशन मिश्रा। इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक 13 सितंबर को है। उससे पहले ही कुछ पार्टियों ने होमवर्क शुरू कर दिया है। गठबंधन के कई साथी अगले महीने तक सीटों का बंटवारा फाइनल कर लेने के मूड में है। इसलिए नीतीश कुमार से लेकर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी अपनी अपनी पार्टी का हिसाब किताब बनाने में जुट गए हैं। नीतीश कुमार ने 11 और 12 सितंबर को पटना में अपने घर पर जेडीयू नेताओं की मीटिंग बुलाई है। पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक को इन बैठक में बुलाया गया है। मीटिंग का एजेंडा लोकसभा चुनाव है। सीटों के बंटवारे पर इंडिया गठबंधन के नेताओं से बातचीत से पहले नीतीश अपने नेताओं के मन की बात को जान लेना चाहते हैं। पिछले ही महीने उन्होंने अपने घर पर लगातार 4 दिनों तक मीटिंग की थी, जिसमें नीतीश कुमार ने जेडीयू के सांसदों से लेकर विधायकों और एमएलसी से अलग अलग बातचीत की थी। कोऑर्डिनेशन कमेटी में जेडीयू की तरफ से राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को मेंबर बनाया गया है। पटना में 2 दिनों की बैठक में नीतीश कुमार के साथ वो भी मौजूद रहेंगे। पिछले आम चुनाव में जेडीयू 16 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। तब जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन था। बिहार की 40 में से 17 सीटें बीजेपी को, जेडीयू को 16, रामविलास पासवान की पार्टी को 6 और कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली थी। तब आरजेडी का खाता भी नहीं खुला था। ममता बनर्जी को छोड़कर इंडिया गठबंधन के बाकी सहयोगी दल स्टेट लेवल पर सीटों का बंटवारा करने की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार की तरह ही जयंत चौधरी ने भी आरएलडी नेताओं की मीटिंग बुलाई है। ये मीटिंग ग्रेटर नोएडा में 11 सितंबर को दोपहर के बाद होने की जानकारी सामने आई है। इस बैठक में पश्चिमी यूपी, रुहेलखंड और ब्रज इलाके के नेताओं को बुलाया गया है। जिला अध्यक्षों से लेकर पार्टी के पदाधिकारियों को इस मीटिंग में बुलाया गया है। आरएलडी इस बार लोकसभा की 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। पार्टी के यूपी अध्यक्ष रामाशीष राय कहते हैं कि इस बार पश्चिमी यूपी के अलावा हम पूर्वांचल में भी 1 सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी और आरएलडी पिछले लोकसभा चुनाव से साथ साथ है। 2019 के आम चुनाव में बीएसपी, समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच चुनावी तालमेल था। बीएसपी ने 38, समाजवादी पार्टी ने 37 और आरएलडी ने 3 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे। इस चुनाव में आरएलडी का खाता भी नहीं खुला था। मुजफ्फरनगर से चौधरी अजीत सिंह और बागपत से जयंत चौधरी चुनाव हार गए। लेकिन पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में आरएलडी के 8 विधायक चुने गए। बाद में खतौली सीट का उपचुनाव भी आरएलडी जीतने में कामयाब रही। समाजवादी पार्टी के समर्थन से जयंत अभी राज्यसभा के सांसद हैं। जयंत चौधरी को लेकर बार बार खबरें आती रहती हैं कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन जयंत चौधरी ने हमेशा इस तरह की खबरों का खंडन किया है। जयंत चौधरी ने भी मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक में अक्टूबर तक सीटों का बंटवारा कर लेने की मांग की थी। उनकी इस मांग का समर्थन कई नेताओं ने किया था। यूपी में बने नए सियासी हालात में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन तय है। जयंत अपनी पार्टी आरएलडी के लिए 12 सीटें चाहते हैं और 1 सीट से वो अपने साथी और आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद के लिए भी उम्मीदवारी चाहते हैं। चंद्रशेखर नगीना से चुनाव लड़ना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी ये सीट अपने लिए मांग रही है। यूपी की 25 लोकसभा सीटों के प्रभारियों को जयंत चौधरी में मीटिंग में बुलाया गया है। पार्टी के महासचिव त्रिलोक त्यागी ने बताया कि मुरादाबाद, अलीगढ़, मेरठ, सहारनपुर और आगरा मंडल के 22 जिलों के पार्टी नेताओं को से लोकसभा चुनाव पर चर्चा की जाएगी। समाजवादी पार्टी में भी लोकसभा चुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी है। अखिलेश यादव एक-एक लोकसभा सीट की समीक्षा करने की बैठक कर रहे हैं, जिसमें उस लोकसभा क्षेत्र के नेताओं को बुलाकर संभावित उम्मीदवारों से लेकर बूथ कमेटी और वोटर लिस्ट पर माथापच्ची की जा रही है। अखिलेश यादव के एक करीबी नेता का दावा है कि अब तक पार्टी ने 11 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार तय किए हैं, जो सीटें गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। अखिलेश यादव ने उन लोकसभा सीटों के समाजवादी पार्टी के नेताओं को वेट एंड वॉच पर रहने के लिए कहा है। एनसीपी चीफ शरद पवार के दिल्ली वाले घर पर 13 सितंबर को इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है। इस बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा सीटों का बंटवारा है। इसलिए गठबंधन के कई घटक दल अभी से अपनी अपनी लिस्ट बनाने में जुट गए हैं। सीटों का बंटवारा ही वो मुश्किल पेच है जिससे गठबंधन में गांठ पड़ सकती है। इस वीडियो में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। नमस्कार।